द पब्लिक मंच के सभी प्यारे श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस खबर में आपको हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि वो कौन सी निर्दलीय विधायक की पत्नी है जिन्हें मायावती लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती हैं और उनके आने से पार्टी कितनी मजबूत होगी, तो खबर में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और खबर देखने के बाद कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समेत तमाम विरोधी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी अब सियासी हलचल बढ़ने लगी है। टिकट को लेकर पाला बदलने वाले विधायकों ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। अब एक निर्दलीय विधायक की पत्नी के बीएसपी में शामिल होने की चर्चा के कारण सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी जल्द ही बीएसपी ज्वाइन कर सकती है। विधायक उमेश कुमार ने अपनी पत्नी को बसपा ज्वाइन करने की बात कही थी। उमेश कुमार बीते दिनों बीएसपी के नेताओं के साथ नजर आए थे, जिसके बाद उनके भी बीएसपी में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन विधायक के बीएसपी में शामिल होने की संभावना कम है। उन्होंने खुद अभी निर्दलीय रहने की इशारा किया है। सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीएसपी उमेश कुमार की पत्नी को हरिद्वार सीट से मैदान में उतार सकती है। इस सीट पर विधायक उमेश कुमार भी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में बीते साल विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से उमेश कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 6852 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने खानपुर विधानसभा सीट पर करीब 38,767 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह थे। रविंद्र सिंह को इस सीट पर 31,915 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी कुमारानी देवयानी थी, जिन्हें 30,834 वोट मिले थे। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चौधरी थे, उन्हें मात्र 6,289 वोट मिले थे। बता दें कि 2017 में इस सीट पर बीजेपी की कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने 13,773 वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। अब दोस्तों आप बताइएगा कि क्या इस प्रत्याशी यानी निर्दलीय विधायक की पत्नी को बसपा में आने से बसपा मजबूत बनेगी,